And now those images on your screen are of a cop who has just delivered a letter a short while ago to Yaqub Memon's family. NDTV's Tejas Mehta, who is in Nagpur, tracking very closely the family and all the developments in Nagpur, spoke with the hotel manager on and got some important details. Let's listen in. It's nearly 3 a.m. in the morning, and just some time back, a police constable came and delivered a confidential letter to Yaqub Memon's family members here at this hotel. And joining us now is Mr. Ravi Telmore, who is the general manager of this hotel. Sir, aap jab constable aaye the, tab aap uske saath Suleiman ji jo hai, jo Yaqub Memon ke bade bhai hai, uske kamre mein saath mein gaye the. Kya hua, bataiye? Ji, hum log gaye. Mujhe wo laga ki bhai koi police wala hai. तो मैंने पूछा आप कहाँ से आए, तो बोला मैं सेंट्रल जेल से आया हूँ. तो मेरा प्रिकॉशन है, आज ऐसी स्थिति है यहाँ पर कि मैं, मेरा ड्यूटी नहीं होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर होटल में रुका हूँ कि कोई भी ऐसा गलत कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये लोग जो है मेनन परिवार मेरे यहाँ पर गए 8 साल से रुकता है. अभी तक कोई पुलिस का इसका किसी का दबाव नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा हो गया कि जब से मेनन साहब को 30 तारीख को डेट फांसी की दी जा रही थी, उस टाइम से हम लोगों को इतना प्रेशर है और ये परिवार हमारे को छोड़ के और किसी होटल में रुकने को तैयार नहीं है. क्योंकि मैं हमेशा इनको कोऑपरेट करता हूँ, एक फैमिली मेम्बर के तरह हूँ. उसके वजह से कि मैं बोला कि भाई आप बहुत ज्यादा हो गया, मीडिया बहुत आ रही है, सब. तो कांस्टेबल कितने बजे आए थे? सर, कांस्टेबल जो है करीब अभी 2:10 के करीब आया था. मैं लॉबी में ही बैठा हूँ, मैं होटल के बाहर गया नहीं हूँ. सारे मेरे स्टाफ मेरे साथ है और 2:10 में आए. मैंने पूछा आप कहाँ से आए, बोले मैं सेंट्रल जेल से आया हूँ. तो मैंने बोला ठीक है, आपको किसको मिलना है? उस्मान मेनन जी को, याकूब मेनन, अपना सॉरी, उस्मान मेनन को मिलना है, सुलेमान मेनन को मिलना है. तो मैं बोला पर्टिकुलर बताओ, क्योंकि दोनों भाई जो है अलग अलग रूम में रह रहे. तो उन्होंने बोला मेरे को कि भाई आप हमको सुलेमान जी को मिलना है. तो मैं खुद लेके उसको लिफ्ट से लेके सुलेमान जी को मैं 4th फ्लोर पर लेकर गया हूँ. उसके बाद में मैं 4th फ्लोर पर ले जाने के बाद उनके रूम में लेकर गया हूँ. रूम में ले जाने के बाद में उनसे मिला आया हूँ. तो वो जब उन्होंने गोपनीय लेटर दिया है, गोपनीय लेटर देने के बाद में पुलिस ने उनको क्या बोला? पुलिस ने बोला कि सर ये आपका लेटर है, आप लेटर साइन करो. उन्होंने लेटर देखा, एग्जैक्ट टाइम डाला कि घड़ी में, अपनी घड़ी देखा, टीवी चालू है, टीवी की घड़ी देखा, मेरी घड़ी देखा. 2:10 हुए थे रात के, 2:10 में उन्होंने अपना लेटर साइन करके उनको दे दिया. उन्होंने पढ़ा क्या लेटर? नहीं, मैंने उनको बोला कि सर ये गोपनीय लेटर है, आप फाड़ के पढ़िए मेरे सामने. तो बोला नहीं, मुझे मालूम है क्या है लेटर में लिखा है. रवि जी, रवि भाई बोलते, मुझे रवि भाई आप टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या है लेटर में, मैं खुद पढ़ लूंगा. आपने कुछ वहाँ देखा था, कुछ टाइमिंग वाइमिंग लिखा था ऐसा? हाँ, मैंने ऐसा अंदाजे देखा था, 7:30 का ऐसा कुछ टाइम. हाँ, ऐसा मैंने टाइम देखा हूँ, मैंने एग्जैक्ट मतलब दूर से देखा हूँ. तो मैं, हम लोगों को क्या समझता है उसका, okay. उसका क्या समझेंगे हम? सो कॉन्फर्मेशन कमिंग अबाउट द फैक्ट दैट अ कांस्टेबल डिड कम हियर एट द होटल वेयर द मेमन फैमिली इज लिविंग एंड अ कॉन्फिडेंशियल लेटर वाज डिलीवर्ड टू द ब्रदर ऑफ याकूब मेमन. व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? वाज इट अ नोटिस गिविंग द टाइमिंग ऑफ द डेथ सेंटेंस? दैट इज स्टिल नॉट क्लियर गिवन द फैक्ट दैट मिस्टर सुलेमान इज स्टिल नॉट स्पीकिंग टू द मीडिया, नॉर हैज द पुलिस रियली रिवील्ड व्हाट action are they planning to take given the fact that the hearing is still going on at the Supreme Court. In Nagpur with camera person Sanjay Mandal, Tejas Mehta for NDTV.